सारी एनर्जी एक बच्चे को पालने में लगा देते हैं। किंग पेंगुइन एक अंडा देते हैं और उसे 54 दिनों तक अपने पैरों पर रखे रहते हैं। बच्चे को अंडे से बाहर निकलने में करीब 1 साल लग जाता है। ये बच्चे 11 महीने के हैं। अपने मोटे से फर में ये बच्चे अपने माँ बाप से इतने अलग नजर आते हैं कि लगता है जैसे किसी और प्रजाति के हैं। और जब तक इनके ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स नहीं आ जाते, तब तक ना तो ये तैर सकते हैं और ना शिकार कर सकते हैं। इसलिए ये बच्चे खाने के लिए पूरी तरह अडल्ट्स पर डिपेंड करते हैं। मछली किंग पेंगुइन की डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिन्हें माँ बाप पकड़ कर लाते हैं। ढेर सारी मछलियां पकड़ने के बाद बड़े अपने हजारों शोर मचाते हुए बच्चों के पास लौट आए हैं। हर बच्चे का एक यूनिक कॉल होता है, जिससे उसके माँ बाप आसानी से उसे पहचान लेते हैं। भूखे बच्चों के लिए खाना लाने में बहुत थकान हो सकती है, लेकिन इनके अंदर अपने बच्चों को बचाने की जो चाह होती है, उसकी वजह से किंग पेंगुइन के लिए यही उनकी जिंदगी है। लेकिन एक भूखा बच्चा बहुत मजबूर है। इसे महीनों से खाना नहीं मिला है, लेकिन बड़े पेंगुइन्स अपने खुद के बच्चों के सर्वाइवल के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि वो इस भटके हुए बच्चे को खाना नहीं खिला सकते। माँ बाप से बिछड़ कर अकेला ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। किंग पेंगुइन्स के लिए अपने बच्चों को भुखमरी से बचाना सबसे जरूरी काम है। लेकिन पैटागोनिया में इन पेंगुइन्स को शिकारियों का खतरा ज्यादा रहता है। दो दो बच्चों को संभालने वाले जेंटूस को चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों को हमेशा इन चालाक कैराकारा से खतरा बना रहता है। जो हमेशा पेंगुइन कॉलोनीज के आसपास घूमते हैं और एक अकेले बच्चे को दबोचने की ताक में रहते हैं। हर फैमिली में संभालने के लिए 2 बच्चे हैं। ऐसे में माँ बाप जब भी शिकार के लिए जाते हैं तो उनके बच्चों को खतरा रहता है। इसलिए पेंगुइन्स एक टीम की तरह कॉलोनी के बच्चों को संभालते हैं। लेकिन कैराकारास भी साथ मिलकर काम करते हैं और अक्सर कामयाब हो जाते हैं। ये बेकार पड़ी हुई चीजें भी ढूंढते रहते हैं। जैसे कि अलग पड़ा हुआ यह अंडा एक इजी टारगेट लगता है। भले ही कैराकारा शिकार करने वाले सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स में से एक हो, लेकिन ऐसे तेज नाखूनों से भी इस सख्त अंडे को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है।